Good afternoon, everybody. Good afternoon. Thank you. First of all, thanks a lot, school, Mahavir sir, Yashpal sir, Sanjay Gatrani sir, Sonu sir, and all the people who invited me over here. बहुत छोटी छोटी बातें बताने वाला हूँ मैं जो इम्पोर्टेंट है लाइफ जीने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक अच्छा टीचर बनने के लिए छोटी छोटी चीजें इम्पोर्टेंट होती है। सर ने बहुत बड़ी बड़ी लाइनें कही मेरे लिए, सर इतना ना चढ़े, अभी छोटा हूँ मैं बहुत बड़ा कुछ करना है अभी। तो मैं मेरा परिचय दे दूँ थोड़ा, मेरा नाम है डॉक्टर अभिलाष मोदी, मैं एक ऑथर हूँ, एक राइटर हूँ, एक यूट्यूबर हूँ, 5 बार नेशनल और 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मेरा नाम लिम्का में, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है, और सबसे इम्पोर्टेंट मैं एक टीचर हूं जिसपे मुझे बहुत गर्व है। टीचर होना छोटी मोटी बात नहीं होती। देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज ये है, मेरे साथ यहाँ पर एक व्यक्ति आने वाले थे, अनिरुद्ध जी वैष्णव, वो एक IRS ऑफिसर है। जब मैं पहली बार उनसे मिला था, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही थी, मैं थोड़ा बीच में आ जाता हूँ ताकि आप सब लोग ध्यान से समझ पाए। जब पहली बार मैं उनसे मिला था तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही थी, वो चीज कुछ ऐसी थी कि देखिए, दो चीजें होती है हमेशा लाइफ में, वो होती है प्रैक्टिकल नॉलेज होना और पैशनेट नॉलेज होना। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नॉलेज तो है पर पैशनेट नॉलेज नहीं है। कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जिन्होंने अब्दुल कलाम का नाम सुना हुआ है, हाथ ऊपर करें प्लीज। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सबने सुना होगा, ऑल एवरीवन, वेरी गुड। आपको पता है उनके गुरु कौन थे? एनीबडी नोस, उनके गुरु कौन थे, किसने सिखाया उनको रिवर्स इंजीनियरिंग, रॉकेट बनाना, SLV बनाना? एनीबडी नोस? डॉक्टर विक्रम साराभाई। वो हमेशा सिखाते थे कि किस तरीके से रॉकेट बनाते हैं। रॉकेट एक बार में नहीं बना था, रॉकेट बनने में बहुत टाइम लगा था, और जब भी वो रॉकेट बनाने लगते थे तो नॉलेज काम आता था, विक्रम साराभाई के द्वारा दिया गया। और जब रॉकेट बनता नहीं था और लोग उनका मजाक उड़ाते थे, अमूल नाम सुना होगा सबने, अमूल का, अमूल दूध पीता है इंडिया, अमूल वालों ने इवन ये कह दिया था अब्दुल कलाम को कि आपका रॉकेट नहीं उड़ रहा है, अब हमारा बटर यूज में ले और शायद आपका रॉकेट उड़ जाएगा। तो इतनी इंसल्ट होने के बावजूद भी वो टिके रहे और इतने शानदार इंसान बने, इतने बड़े व्यक्ति बने, इतने सारे लोगों के लिए मोटिवेशन बने। उसका कारण ये था, उनके फादर उनके साथ थे हमेशा। उनके फादर को नहीं पता था रॉकेट कैसे बनाते हैं, और उनके फादर ने एक ही चीज बोली थी, बेटा मुसीबतें हमेशा थी, है और रहेगी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मुसीबतें ना रहे। अगर आप इस गलतफहमी में जी रहे, कोई भी व्यक्ति यहां पर बैठा हुआ, कोई भी मतलब कोई भी, फ्रॉम पियोन टू प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट्स, एनीबडी, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ऐसा होने पर मुसीबतें खत्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। मुसीबतें जीवन का हिस्सा थी, है और रहेगी। ये कुछ ऐसा है कि अच्छा, विंटर में सर्दी पड़े तो कुछ नई चीज है क्या? विंटर सीजन में सर्दी पड़ती है, कुछ नया है क्या? विंटर है तो सर्दी तो पड़ेगी ना। इसी प्रकार से जीवन में समस्याएं रहेगी, प्रॉब्लम्स रहेगी, कभी पैसे की, कभी पारिवारिक, कभी स्कूल से संबंधित, कभी हम वो कर नहीं पाते जो हम करना चाहते हैं। पर हमको सर्दी कब नहीं लगती? जब हम रजाई ओढ़ करके सोते हैं। हम जब रात को ब्लैंकेट ओढ़ते हैं तो सर्दी लगती है क्या? इसका मतलब सर्दी नहीं है, सर्दी तो है पर हमको नहीं लगती। वो रजाई आपको कैसे बनानी है, वो ब्लैंकेट आपको कैसे बनाना है कि सर्दी कितनी ही क्यों ना हो, प्रॉब्लम्स कितनी ही क्यों ना हो, समस्याएं कितनी ही क्यों ना हो, मैं वो कर सकूं जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूं। उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूं मैं, बहुत सिंपल है, समझने की ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, कुछ समय पहले की बात है, मैं एक ट्रक में जा रहा था, मुझे नहीं मिला बस का साधन, तो मैं ट्रक में जा रहा था। मैं बैठा हुआ था ट्रक में, एक तरफ एक टाइल्स थी बहुत सारी, टाइल्स समझते हैं, ये जो टाइल्स लगी हुई है, ये टाइल्स पड़ी थी बहुत सारी, और एक तरफ एक मूर्ति थी। टाइल्स रो रही थी बहुत तेज तेज। मूर्ति ने बोला, क्या बात हो गई भाई, रो क्यों रहे हो? उन्होंने बोला कि ये सही नहीं हुआ यार, इस दुनिया में भगवान जैसा कुछ नहीं, सब कहने की बातें हैं, कुछ नहीं होता ऐसा। उन्होंने बोला, क्यों, क्या हुआ, क्या बता दो सही। मैं सब देख रहा था, मैंने पूछा, टाइल को बता दो सही क्या हुआ। उन्होंने कहा कि देख, बात ऐसी है, मुझे निकाला गया एक माइंड से, तुझे भी निकाला गया उसी माइंड से। माइंड समझते हो क्या होती है? खान है,
मुझे भी उसी माइंड से निकाला गया, तुझे भी उसी माइंड से निकाला गया। मुझे भी रामू नाम के व्यक्ति ने तोड़ा और तुझे भी रामू नाम के व्यक्ति ने तोड़ा। मुझे जब लोड कर रहे थे ट्रक में तो किशन नाम के व्यक्ति ने लोड किया और तुझे भी किशन नाम के व्यक्ति ने लोड किया। अब देख कितना गलत हो रहा है मेरे साथ। तुझे तो लोग पूजेंगे, तेरे ऊपर माला चढ़ाएंगे, तेरा सत्कार होगा, और मेरे ऊपर लोग चलेंगे, बच्चे गिरेंगे, पता नहीं क्या क्या होगा, मेरा ध्यान नहीं देगा। मूर्ति ने बोला तो एक चीज मिस कर रही है टाइप। उसने बोला टाइप ने नहीं कुछ मिस नहीं कर रही, मैं जो है वो सच है, ऐसा ही तो हुआ। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे वो अपना वो पोसते होंगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं वहां पर क्यों नहीं, काश मैं भी वहां होता। होता है बहुत सारे, टीचर भी हो सकते हैं, प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, मैं वहां क्यों नहीं, क्यों होता है ऐसा समझो। टाइल ने जब ऐसा बोला तो मूर्ति ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जिस समय पर इस चीज को ध्यान से सुन लो, अंदर बिठा लेना, हर बच्चा जो भी सुन रहा है उसको अंदर बिठा लो, गाड़ लो इस चीज को, ताकि आज से 50 साल बाद, आज से 10 साल बाद आप यहां पर खड़े होकर इसको बोल सको। पता है स्कूल का सबसे बड़ा सम्मान क्या होता है, कि उसी के बच्चों को बुलाए ये बताने के लिए कि कैसे बच्चों को बड़ा करते हैं। उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं होता किसी स्कूल के लिए। अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में कुछ साल बाद यहां पर आपको बुलाया जाए ये बताने के लिए कि सफल कैसे होते हैं, तो इस चीज को दिमाग में बिठाना ध्यान से। उस मूर्ति ने बोला कि जिस समय पर मेरे को तोड़ रहे थे, जिस समय पर मेरे को छीनी और हथौड़े से तोड़ रहे थे, तो मैं ढल रही थी। जब मेरे पे एक चोट पड़ी तो मेरी नाक बनी, एक और चोट पड़ी तो मेरी इधर की नाक बनी, एक और चोट पड़ी तो मेरी भौहें बनी, एक और चोट पड़ी तो मेरे होंठ बने, एक और चोट पड़ी तो मेरी गर्दन बनी, और मैं धीरे 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 बनती चली गई। और जब तेरे पे चोट पड़ रही थी तो तू टूट गई, इसलिए तेरे को पत्थर कहते हैं और मुझे मूर्ति। आपकी जिंदगी में भी यही होगा, जब समस्याएं होती है तो कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग नए रिकॉर्ड्स तोड़ देते हैं। इस चीज को अंदर तक बिठा लो कि समस्याएं जीवन का हिस्सा। मैं कभी नहीं बोलता बच्चों को ऐसा बोलोगे तो समस्याएं दूर हो जाएगी, अरे नहीं होगी। अगर कोई कह रहा है तो गलत है, ऐसा नहीं होता कभी भी। आप दुनिया के ऐसे एक इंसान का नाम बता दीजिए, सचिन तेंदुलकर हुआ है, मैं बड़े बड़े लोगों से मिला हूं, बहुत बड़े बड़े लोगों से, IAS ऑफिसर्स के साथ रहा हूं, बड़े बड़े इंडिया का सबसे बड़ा जो मंच है जो स्टॉक्स, आप सुन उसके बारे में देखना, सर्च करना, वो फोर्ब्स मैगजीन ने लिस्ट किया है। उस पर लास्ट संडे को हमारी स्पीच थी मेरी और अनुरुद्ध सर की, मैंने उन लोगों को भी देखा। समस्या सबकी जीवन में, केवल बेटा इस चीज को अंदर तक बिठा लो, मुझे टूटना नहीं है। और वो कब हो पाएगा, कैसे होगा, अगर सिर्फ और सिर्फ एक कारण से, आपके पास पढ़ने की बहुत बड़ी वजह होनी चाहिए। मेरे लिए पता है कोई स्कूल बड़ा तब नहीं होता जब उसका प्रांगण बड़ा हो, असेंबली बड़ी हो। मेरे लिए स्कूल तब बड़ा है जब मैं उस स्कूल के आने वाले बच्चे से पूछूं, भाई तू खुश है क्या यहाँ स्कूल में पढ़ करके? अगर उस बच्चे ने बोला हाँ सर मैं खुश हूँ क्योंकि मैं पढ़ता हूँ, वो स्कूल बहुत बड़ा है। क्योंकि मैं बड़े बड़े स्कूल में गया हूँ, बड़े बड़े कॉलेजेस में गया हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी पढ़ाता हूँ, कंपनी सेक्रेटरीज को पढ़ाता हूँ, पर वहां पर मैं बड़े बड़े बच्चों के बुझे हुए चेहरे देख करके देखता है यार ये खुश नहीं है। पता उसका कारण क्या है? क्या पढ़ें? किताबें। कैसे पढ़ें? टीचर समय बतलाते हैं, मैं भी एक टीचर में भी बताता हूँ। क्यों पढ़े? सब पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़े। क्यों पढ़े? मम्मी पापा भेजते हैं इसलिए पढ़े। क्यों पढ़े? तो पढ़ते ही है ना, उसमें कौन सी बड़ी बात, हमको रीजन ही नहीं। क्यों पढ़े? इसे पढ़ते हैं, इसे पढ़ने से कुछ बन जाते हैं शायद, पता ही नहीं क्यों पढ़ना है। जिस दिन आपके दिमाग में वो क्लियर हो गया क्यों पढ़ना है, इसलिए पढ़ना है क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं, और अगर मुझे इस दुनिया की समस्याओं को दूर करना है तो उसके लिए पहले मुझे खुद कुछ बनना पड़ेगा। अगर मैं खुद कुछ नहीं तो लोगों की समस्या का दूर करूंगा, मैं खुद की प्रॉब्लम दूर नहीं कर पा रहा। इस चीज को अंदर तक समझ लो। आपके अंदर जो दिक्कतें हैं, टाइम मैनेज नहीं होता, पहले खुद टाइम मैनेज करो। एंगर मैनेज नहीं होता, खुद एंगर मैनेज करो। एक टीचर, एक प्रिंसिपल, एक स्टूडेंट जो खुद एंगर को मैनेज नहीं कर सकता, खुद को गुस्सा आता है, कभी किसी को नहीं बोल पाएगा कि भाई गुस्सा मत कर, क्योंकि वो खुद ही बीमार है, क्या किसी को बोलेगा। अंदर तक इसको समझ जाना है। पहली चीज, अब मैं वापस से कर रहा हूं सारी चीज, 5 मिनट का मैं टाइम ले रहा हूं, ज्यादा नहीं। इस चीज को अंदर तक बिठा लो। पहले नंबर पे इस चीज को यह है कि टूटना नहीं है किसी भी हालत में। पापा ने डांटा, डांटने दो। मम्मी ने डांटा, डांटने दो। मम्मी पापा भी प्रॉब्लम में है ना, वो प्रॉब्लम है नहीं है, मजे ले रहे हैं आपके। टीचर मजे ले रहा है आपका, नहीं ना, वो भी दिक्कत में है। हम सोचते नहीं, हम सोचते नहीं ये तो ऐसे ऐसे ही ऐसे, तो ऐसा नहीं है यार, हो सकता है वो भी दिक्कत में हो। अगर कोई बच्चा,
कि आजकल एक नई प्रॉब्लम आ रही है, मैंने लगभग 8000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया होगा, मैं जबकि बड़े बच्चों को पढ़ाता हूँ थोड़ा, मैंने इसी को देखा बच्चों को बुरा यूं लगता है। मैंने ऐसे बहुत कम बच्चों को देखा है जिनको बुरा नहीं लगता। और फिर हम कहते हैं कॉम्पिटिशन बहुत, कॉम्पिटिशन तो रहेगा ना भाई। और एक और लास्ट चीज इसको अंदर से बिठा लो, इस दुनिया में कोई कॉम्पिटिशन ना था ना है ना रहेगा। अगर कोई भी कह रहा है कॉम्पिटिशन है तो कृपया करके मुझसे मिले, कोई स्टूडेंट अगर ऐसा कहता है बहुत कॉम्पिटिशन है इस दुनिया में, इसको हमेशा ध्यान में रखें। जंगल में कितने पशु हैं इससे मतलब नहीं है, जंगल में कितने शेर है उससे मतलब है। शेर मतलब क्या, शेर का क्या होता है, जो मेहनत करना जानता है। आप 10 से 6 की नौकरी करो, कॉम्पिटिशन था है और रहेगा। आप 6 से 10 की नौकरी करो, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, कॉम्पिटिशन करना था है और रहेगा। इन मिथ्स को तोड़ना है थोड़ा सा, जो दिमाग में बना रखिए ना, पैसा कमाना बड़ा मुश्किल काम है, होता है हम यही सुनते हैं पैसा कमाना बड़ा मुश्किल काम है, आज की दुनिया में पैसे कमाना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। आप जाकर के पूछो रामपाल जी सोनी से, पढ़ा पैसे कमाना बड़ी काम हो, बोले कमाता मैं तो, उनके लिए तो नहीं। दुनिया का सबसे पैसे वाला आदमी कौन है, कौन है बताओ, ये बिल गेट्स भी नहीं है, दूसरे है जेफ बेजोस, वेरी गुड बच्चे, अमेजन के मालिक। आप बताओ वो 1 सेकंड में कितने रुपए कमाते हैं, 1 लाख, 1 सेकंड में 1 लाख। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पैसा कमाओ, इट्स नॉट लाइक दिस, पैसा कमा दिया तो भी कुछ नहीं, उनकी जिंदगी में भी प्रॉब्लम है, फिर से वो की वही बात, बट काबिल तो बनो, पैसे के पीछे नहीं भागना, पर काबिल तो बनो कि अगर मैं कोशिश करूं तो कमा सकता हूं। ऐसा कुछ नया नहीं है इस पर, कमा सकते, पैसा ही तो है, तो कुछ नया है क्या, पैसा नहीं है तो कुछ और आ जाएगा क्या, पैसा ही तो कमा लेंगे, उसमें क्या है कि टेंशन लेके नहीं करना है। तो ये दो दो तीन तीन चीजें दिमाग में रखनी, पहले नंबर पर टूटना नहीं है कोई भी बच्चा, सब लोग वादा करो टूटोगे नहीं, हाथ करो जो नहीं टूटेगा आप प्रॉपर, जितनी दिक्कत आनी है आ जाए, पर टूटना नहीं है किसी को भी, किसी भी तरीके की दिक्कत से टूटूंगा नहीं, ठीक है ना, हारना नहीं है, चलते रहे दो प्रॉब्लम को। आ रही सर्दी में, फिर मैं कहना सर्दी में सर्दी नहीं पड़ेगी तो हेलीकॉप्टर गिरेंगे, सर्दी गिरेगी ना, दिन दुनिया में जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं गिरेगी तो क्या गिरेगी भाई, इसमें नया क्या है। भगवान ने आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया था कि प्रॉब्लम वॉब्लम नहीं दूंगा आपको, ऐसा भरवाया गया किसी को, तो क्यों मजे ले रहे हो जबरदस्ती, क्यों भगवान से मांग रहे हो, भगवान प्रॉब्लम मत दे, इसको समझ लो, होता है ना सुबह सुबह लाइक दिस, इसको समझ लो। और सेकंड नंबर पे चीज, बड़ा ड्रीम देखना है, कुछ करना है, ज्यादा दिमाग में टेंशन लेनी, पैसा कमाना मुश्किल है नहीं है, और कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, इसको दिमाग से निकाल दो, कॉम्पिटिशन है कुछ, कॉम्पिटिशन नहीं इस दुनिया में कोई कॉम्पिटिशन, मेहनती लोगों के लिए कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, आलसी कामचोर लोगों के लिए कॉम्पिटिशन था है और रहेगा। वो यही कह रहे थे, यही कह रहे हैं, यही कहते कहते मर जाएंगे, और ये सिखाओगे अगर जब आप पेरेंट्स बनोगे आपके बच्चों को, सिखाओगे अरे बेटा बहुत कॉम्पिटिशन है इस दुनिया में, नहीं है भाई, नहीं है कोई कॉम्पिटिशन नहीं। सो ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, थैंक्स अ लॉट। और कोई भी बच्चा, यशपाल सर के पास मेरे नंबर है, संजय सर के पास मेरे नंबर है, कभी भी किसी बच्चे को किसी तरीके की एडवाइस की जरूरत हो, कभी भी अपने आप को अकेला ना समझे, कभी भी किसी बच्चे को किसी भी तरीके की जरूरत हो, आई एम ऑलवेज देयर। टीचर्स जो अच्छे हैं, जो आपको समझते हैं, जो सब्जेक्ट के अलावा थोड़ी सी बात करते हैं, उनसे भी बात करो, पर अपने आप को अकेला मत समझो, और मैं तो हुई हूँ अभी भी है, आप आराम से सर से बोले मैं मिलूंगा, इट इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, और अपने आप को अकेला नहीं समझना, सीधी सीधी डियर गाइस, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट टू दिस स्कूल, थैंक्स अ लॉट। Thank you very much, sir.